अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी है, और वाकई में इजी है। इसमें कोई भी लंबा काम नहीं है, सिर्फ आपको जैसे फ्रूट और वेजिटेबल से कटिंग करनी है और दैट्स इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं जनाब रशियन सैलेड। रशियन सैलेड जो है ये बहुत पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा खाई जाती है शौक से। तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि जिन चीज़ों की नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी पे है, ये टोटली ये ऑप्शनल है। सारी की सारी आप चाहें तो इनकी जगह दूसरी भी ले सकते हैं। मेरे पास जो है ये कुकम्बर यानी खीरा है, ये यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, पोटैटोज हैं ये मैं दो ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने कट कर लिया है। ये मेरे पास पीस है मटर, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल को मैंने कट कर लिया है, ये तकरीबन एक हाफ के करीब पाइनएप्पल है बड़ा वाला, उसे मैंने कट कर लिया है। एग है बॉयल करके, इसकी जर्दी निकाल ली है, दो एग से इन्हें बॉयल कर लिया और जर्दी निकाली। और ये एप्पल है, ये मेरे पास दो अदद एप्पल हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, मेयोनीज है, और ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर थोड़ी थोड़ी सी हमने ली है, और शुगर हमें इसके लिए चाहिए होगी। और बाकी इसके लिए सब कुछ जो है वो फ्रूट वेजिटेबल आप चॉइस से ले सकते हैं। आप कैरेट ले सकते हैं, आप इसमें कोई दूसरा फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रेप्स है वो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर लें जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। मान रही अभी सबसे पहले मैं इसमें ऐड करना शुरू करती हूँ। मटर डाल लिया हमने, तेल, पोटैटोस ये बॉइल करके रखे हुए थे सब चीज़ें, खीरा, पाइनएप्पल, और ये एंड पे एग। दैट्स इट, मेयोनीज है ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इस तरह से करके मैं डालूंगी इसे। ये मैंने इसे मेयोनीज डाला है, इसको मिक्स किया। अब मैं ये इसमें मेरे पास क्रीम है, ये डालूंगी, मेयोनीज डाल के मिक्स किया। अभी मेरे पास क्रीम है, इसमें एक बार फ्रेश क्रीम भी मैं डालूंगी इसमें। देखिए ये क्रीम डाल के हमने मिक्स किया। अब ये शुगर है, इसे हम ऐड कर लेंगे। अच्छा सा हमने ऐसे तरह से करके मिक्स कर लेंगे सारे फ्रूट्स को, वेजिटेबल को। अब यहाँ मेरे पास ही देखिए ये ब्लैक पेपर है, ये देखिए ब्लैक पेपर है, ये मैंने इसमें शामिल की, और ये वाइट पेपर, ये दोनों में डालूंगी। इनको डालकर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये रशियन सैलेड कितनी झटपट से हमारी तैयार हो गई है। ये बहुत मज़ेदार होती है, इसे आप थोड़ा सा ठंडा करके खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। और चलते चलते आखिरी बात, खुश रखिए, खुश रहिए। अल्लाह।